बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी वापडा में जबरदस्त जो है वो असामी को ऐलान किया गया है, जहां पे पूरे पाकिस्तान के लोग आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वापडा का एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वापडा का लोगो भी। तो यहाँ पर जो जितने भी जॉब्स हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की जा रही हैं। अब सबसे पहले देख सकते हैं फॉर लिफ्टर ऑपरेटर है, उसका 9 स्केल होगा, उसके लिए मिडल होना चाहिए और एसटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं उसकी तमाम तफसीलात जो है वो नीचे मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 5 साल का जो है वो आपको एज एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ड्राइविंग का। उसके बाद डायरेक्ट कोटा जो है लाहौर सर्कल है, गट्टी फैसलाबाद सर्कल, पिशावर सर्कल, रावट सर्कल और उसके बाद मुल्तान सर्कल के लिए जो है वो कोटा होगा। फिर इम्प्लॉयज चिल्ड्रन कोटा भी है घट्टी फैसलाबाद सर्कल के लिए। फिर एज लिमिट है 18 से 30 साल, एज रिलैक्सेशन भी होती है जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है। फिर असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट है, 7 स्केल है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाहौर सर्कल, रावट सर्कल, इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ नीचे शेयर करता हूँ, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वुमेन कोटा भी है, डिसेबल कोटा भी है और एज भी मेंशन है। उसके बाद असिस्टेंट लाइनमैन की काफी ज्यादा जो है वैकेंसीज है, मतलब 1000 जो है वैकेंसी अनाउंसमेंट की गई है। सिंपल मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं और ये सर्कल भी मौजूद है। डायरेक्ट कोटा, इंप्लॉयज चिल्ड्रन कोटा भी है, मिनोरिटी कोटा, डिसेबल कोटा। फिर ट्यूबल ऑपरेटर की काफी ज्यादा जो है वो सीट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम तफसीलात। उसके बाद प्लम्बर है। अब उसके बाद डिटेल्स, जो प्रोविंसेस, जो सूबे हैं, रीजन्स हैं, सर्कल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, वो कौन कौन से हैं। देखें, ये गुड्डू सर्कल है, वहाँ पर आप कश्मोर, शिकारपुर, लड़काना, घोटकी, सखर, जैकबाबाद, दादू, खैरपुर, कंबल, शाहदा कोट, उसके बाद नौशर फ्रॉज जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गुड्डू सर्कल के लिए। फिर जामशोरो सर्कल है, जामशोरो, हैदराबाद, मतियारी, बदीन, टंडू अलाजाल, कराची वेस्ट, मलीर, दादू, थर पार्कर, मीरपुर खास, ठट्ठा। उसके बाद ये देखें शहीद बेनजीर आबाद है, नवाब शाह, मलीर और कराची के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जामशोरो सर्कल के लिए। फिर पिशावर सर्कल है, हॉल केपीके वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक्स फाटा वाले भी, एक्सेप्ट मानसहरा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फिर रावट सर्कल है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंडी बाउद्दीन, जहलम, अटक, चकवाल, मियाँवाली, पखर, मानसहरा, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर लाहौर सर्कल है, लाहौर, कसूर, साहिबाल, उकाड़ा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हफ्जाबाद वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। पिघट्टी फैसलाबाद सर्कल है, फैसलाबाद, शेखपुरा, सरगोधा, ननकाना साहब, टोबा टैक्सिंग, जंग, चिन्नौर, खुशावले कर सकते हैं। फिर मुल्तान सर्कल है, 220 किलोवाट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, बावलपुर, बावल नगर, खानेवाल, लोधा वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर 500 किलोवाट है मुल्तान सर्कल, रहीम यार खान, मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, कश्मोर। फिर कोयटा की बात की जाए तो तमाम बलोचिस्तान के लोग जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एनटीएस की वेबसाइट से मिलेगा, वहाँ आपको उसके थ्रू अप्लाई करना होगा और इसकी 500 फीस है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ आप देख सकते हैं कि दे आर ऑल्सो एडवाइज टू फिल आउट द फॉर्म क्लियरली। उसके बाद फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। तो आपको इसकी जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने की, तो उसके लिए नहीं है। फिर उसके बाद कोटा भी है, उसमें देखेंगे तमाम डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात हैं। तो यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2022 है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है वो आपने एनटीएस से डाउनलोड कर लेना है, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप लगानी है, एनटीएस कॉपी लगानी है, टेस्ट कॉपी ऑफ सीएनएस लगानी है और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो नेशनल टेस्टिंग जो है वो सर्विस है उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। इसका लिंक जो है वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस का डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जो है वो क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। और अगर किसी को अप्लाई करने में मसला हो रहा है तो आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए मजीद तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।